हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आज के इस वीडियो में मैं आपको मित्रो ऐप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आप सबको अभी पता होगा कि मित्रो ऐप इंडिया का है करके सब लोग बोल रहे हैं और बहुत से लोग डाउनलोड भी कर लिए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐप कहाँ का है। ये इंडिया का नहीं है, इतना तो आप जानते हो, इंडिया का नहीं है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, इंडिया का नहीं है। ये कहाँ का है आज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको भले ही बुरा लगेगा कि बात वो है कि भारत के सारे लोग चुतिया होते हैं जो लोग मित्रो ऐप को इंडियन समझ कर डाउनलोड कर लिए हैं। पूरे चुतिया है। अगर मैं डाउनलोड करूँ तो मैं भी चुतिया हूँ बस। नहीं मतलब आप कुछ भी ऐप्स को इंडियन ऐप बताकर डाउनलोड करवा लोगे हमसे, चुतिया समझे हो क्या हमको? जो किसी भी ऐप को हम डाउनलोड कर लेंगे और जो लोग मित्रो ऐप को इंडियन समझकर डाउनलोड कर रहे हैं, माँ कसम भाई, उनसे ज़्यादा चुतिया देखा ही नहीं मैं, बस देखा ही नहीं उससे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि ये जो मित्रो ऐप है ये भारत का बिल्कुल भी नहीं है। ये एक पाकिस्तानी ऐप है जो टिक टिक से निकल कर आया है। मतलब कि पाकिस्तानी कुछ डेवलपर है, वो लोग टिक टिक ऐप बनाए थे पाकिस्तान के लिए। तो भारत के कुछ IIT या क्या पता यार कोई खरीदे भी होंगे या नहीं, तो कोई इसे मतलब पाकिस्तान से $34 मतलब 2600 रुपये में लिए हैं। 2600 रुपये में यार, सोचो। तो जिसने भी इस ऐप को 2600 रुपये में खरीदा है वो इस ऐप का नाम मित्रो रख दिया है। मित्रो इसलिए क्योंकि मित्रो जो है मोदी जी का शब्दावली है। वो अक्सर बोलते हैं मित्रो, जैसे कि कई मूवी में बोलते हैं ना भाइयों एवं उसकी बहनों करके, तो सेम वैसी मोदी जी का शब्दावली है मित्रों करके, इसलिए इस ऐप का नाम मित्रों कर दिया ताकि ये नाम से ही इंडियन लगे। और बस यही एक कारण है मित्रों नाम रख दिया है, जो कि मोदी जी का शब्दावली है, इसलिए ये ऐप ज़्यादा डाउनलोड हो गया। 50 लाख से भी ज़्यादा डाउनलोड है प्ले स्टोर पर। और गाइस, अगर आप लोग प्ले स्टोर पर जाते हैं और इसके डेवलपर ऑप्शन को देखते हो तो वहाँ पर आपको डेवलपर का कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको वहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी भी देखने को नहीं मिलेगा। सोचो, टिकटॉक का इतना प्राइवेसी पॉलिसी है जो हमेशा चेंज करते रहता है, तो उससे आपको प्राइवेसी का इतना खतरा हो सकता है। तो सोचो, इनका तो कोई प्राइवेसी पॉलिसी भी नहीं है, तो इनसे आपको कितना खतरा होगा। तो इस ऐप को ना इंडियन समझकर बिल्कुल भी डाउनलोड मत करो यार, क्योंकि ये पाकिस्तानी ऐप है। इंडिया में सिर्फ इसका सोर्स कोड है, डाटा सेंटर तो पाकिस्तान में ही होगा या फिर क्या पता चाइना में हो। वैसे एक बात बताऊं, मेरे मन में, रूह में, दिमाग सब जगह एक बात आ रहा है यार कि पाकिस्तानी कब से ऐप बनाना स्टार्ट कर दिए भाई, समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस, मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो टिकटॉक, हेलो, मित्रो, लाइकी, ये सब टिकटॉक जैसे जितने भी ऐप हैं उसे इस्तेमाल करना बंद कर दो यार, क्योंकि इसमें जो क्रिंज कंटेंट है, एडल्ट कंटेंट है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन यार, जब भी आप टिकटॉक ओपन करते हो तो आप एक वीडियो देखने के लिए ओपन करते हो, लेकिन उससे क्या होता है, आप एक की जगह 10 वीडियो देखते हो, सकते हैं आधा घंटे एक घंटे तक आप टिकटॉक देखते हो। तो यार, बस यही है कि आप जब भी टिकटॉक ओपन करते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है, बाकी कुछ नहीं। मैं टिकटॉक नहीं देखता यार, मैं अपने यूट्यूब बना लेता हूँ, मेरे को कुछ पैसे मिल जाते हैं यूट्यूब से। तो बस यार, वही कि टिकटॉक से कुछ मिलता भी नहीं है, पूरा टाइम वेस्ट है। तो आप भी ना टिकटॉक को इस्तेमाल करना बंद कर दो, ये मेरा राय है। बाकी आप देख सकते हो यार, आप बहुत समझदार हो, आपको अपना टाइम वेस्ट करना है या फिर उस टाइम को किसी काम में लगाना है जो आपके करियर को सक्सेस बना सके, आपके आप मतलब आपको सक्सेसफुल बना सके। तो बस, मैं तो आप टिकटॉक चलाता भी नहीं हूँ, अपना बस यूट्यूब है। तो बस आज की इस वीडियो में इतने ही, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।